देहात में भी इसका चलन हो गया है, वो है कश्मीरी हमाम। आप देख सकते हैं, थोड़ा नजदीक में लाइए, ये कश्मीरी हमाम है। आप देख सकते हैं जैसे किस में आग जल रही है इस वक्त, और इसी आग के जरिए से इसके अंदर पत्थर होते हैं। कमरा अंदर है, रूम इसके ऊपर रूम है, आप देख सकते दिखा सकते हैं ये खिड़की। रूम के जो पत्थर हैं इसी आग से गर्म होते हैं और वो बिल्कुल 24 घंटे तक गर्म रहता है कमरा। 2 घंटा आग जलानी है, 1.5 घंटे तक ये आग जलेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। और उसके अलावा इसके ऊपर यहां से टैंकी एक है, अंदर टैंक है, तांबे की टैंक, उससे जो है पानी भी गर्म हो जाता है और बिजली की जरूरत नहीं है। और ये इतना मुफीद है खासकर जो हमारे पेशेंट्स होते हैं, खासकर जिनको ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स होती हैं, हड्डियों की बीमारियां होती हैं, बाकी चीजें होती हैं, उनके लिए बहुत मुफीद है ये, क्योंकि उनको तकलीफ होती है। वो अगर सीमेंट पे चलेंगे या मार्बल पे चलेंगे या फिर बिजली का इंतजार, देखिए आजकल बिजली के जो हमारे हड़ताल चल रही है यहाँ पे, तो हमाम का इस्तेमाल होता है। तो हमाम एक ऐसी चीज है जो रिवाइव होगी 50-60 साल पहले, 70 साल पहले, और ये कब इस्तेमाल होती थी, 500 साल पहले सेंट्रल एशिया में, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान या वहां के या ईरान के अंदर इसका इस्तेमाल होता था। मुझे लगता है आजकल वहां इसका इस्तेमाल नहीं होता, हमने इसको अडॉप्ट कर लिया। जैसे वाजवान का इस्तेमाल वहां पे होता था पहले, उतना नहीं होता है, हमने उस वाजवान को अडॉप्ट कर लिया, हमने उसमें जो एक्स्ट्रा चीजें भी ऐड कर ली और नई नई चीजें आ गई। तो यही हमारी एक हेरिटेज है जिसका हमने इस्तेमाल किया है। और गांव देहात में इसका ज्यादा चलन होगा, क्योंकि गांव देहात में उनके पास लकड़ी भी ज्यादा अवेलेबल होती है, सेब के बाग होते हैं, उनकी प्रूनिंग होती है, कटाई होती है, उसका जो हम फल आते हैं कटाई, आप देख सकते हैं मेरे पास भी वही सेब की कटाई है, आड़ू के बाग की कटाई है, उसको हम लाते हैं, इसके फिर ये करके रखते हैं, फिर उसको इसमें डालते रहते हैं बीच बीच में 2-3 बार, तो इससे जो है हमारी यहाँ पे जो गर्मी का इंतजाम हो जाता है। ये एक ऐसी हेरिटेज है जिसको हमने रिवाइव किया, जो अब हेरिटेज नहीं रही, इट बिकेम पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।